सोसाइटी आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। जयपुर में मोबाइल फोन छीनने की फर्जी वारदातों को देखते हुए पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। टीम ने राह चलते लोगों से मोबाइल फोन छीनने वाले लोग का पर्दाफाश कर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 20 मल्टीमीडिया मोबाइल बरामद किए हैं। पूछताछ पर कई वारदातों की बात सामने आई है। पिछले कई दिनों से बनी पार्क और आसपास के थाना इलाके के अंदर मोटरसाइकिल के द्वारा बहुत सारे सवार लोगों द्वारा जेंस नेचर जो हैं उनसे मिलती जुलती कई सारी घटनाएं की हैं। उनके अंदर उनके द्वारा मोबाइल भी छीने गए हैं और दूसरे कई सारे पर्स छीने और इस तरह की घटनाएँ हुई। तो अभी हमारे द्वारा बनी पार्क पुलिस द्वारा एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है जिसके अंदर लगभग 4 दर्जन के आसपास मोबाइल हैं, जो मल्टीमीडिया मोबाइल हैं ज़्यादातर, उनको पकड़ा है। और उस जो पकड़ने वाली टीम थी उसके अंदर हमारे SCP सदर संजय यादव इनका और अभी जो इंचार्ज हैं नरेंद्र सिंह जी, पदम सिंह ASI और टीम के जो अन्य सदस्य हैं सुल्तान ASI हैं, जगदीश जी कॉन्स्टेबल हैं, मनोज कॉन्स्टेबल हैं, शंकर कॉन्स्टेबल हैं, राजेश कॉन्स्टेबल है, इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है। और ये जो मोबाइल जहाँ जहाँ चोरी किए गए हैं वो घटनास्थल उन्होंने तय किए हैं और जिन लोगों के मोबाइल उन्होंने लूटे हैं उन लोगों से भी पता किया गया है, तो ये सारी घटनाएं होना पाया गया। ये अभी जिस प्रकरण के अंदर दर्ज किया है वो 12/6/18 को ये घटना हुई थी माधव सिंह सर्किल के पास, उसके अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये चोरों की टोली बनाकर वारदात करते थे और उसी में से एक इमरान नाम का जो शख्स है वो पहले भी इस तरह की वारदात में गिरफ्तार हो चुका है। और 3 अन्य लोग हैं जिनका नाम, एक हरदीन है, दूसरे का नाम अक्रम है और चौथा साहिल है। ये सारे के सारे शास्त्री नगर थाना इलाके की कॉलोनियों के अंदर रहते हैं और इनका जो शौक था वो इस तरह की चीज़ों को ये लूट करना और लूट करने के बाद में उनको बेचने के बाद में जो पैसे होते थे उसके अंदर IRC करना। सर इनका जयपुर शहर के अंदर इन्होंने बनीपार थाना इलाके के अंदर वारदात की है, सिंधी कैंप में की है, सदर में की है, 22 गोदाम में की है और अन्य कई जगह और आसपास के एक दो दो। सर इनका बैकग्राउंड कैसा था? ये लोग पहले छोटी मोटी नौकरियां करते हैं और कोई किसी फैक्ट्री के अंदर काम करता है, कोई एक दो इनमें से ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन ये अलग अलग जगह पर कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते हैं। सर वारदात के लिए क्या ये अपने वाहनों को उपयोग में लेते थे या कुछ? हाँ, वारदात के अंदर अपने वाहनों को या अपने रिश्तेदार के वाहनों को जो जिनको कि मांग के ले लेते थे उसके बाद में वारदात। सर ये मोबाइल दलाल के थ्रू बेचते थे या डायरेक्ट? जयपुर से न्यूज़ 19 की हमारी